नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। आइए रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर दौरा, लिया कावड़ यात्रा का जायजा। खराब मौसम की वजह से सोलन नहीं पहुंच पाए केजरीवाल और भगवंत मान, वर्चुअली किया संबोधन। पुलिस के हत्थे चढ़ा कैटरीना विक्की को धमकी देने वाला शख्स करना चाहता था अभिनेत्री से शादी। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई 4 अगस्त तक टली, मुस्लिम पक्ष करेगा जवाबी दलील। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की तलाश में कई जगह छापेमारी, गैर जमानती वारंट हो चुका है जारी। 27 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 3 अगस्त तक लगातार बारिश के मिल रहे संकेत। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, जनप्रतिनिधियों की राय लें पर किसी के दबाव में गलत काम ना करें अधिकारी। सावन का दूसरा सोमवार, शिव की नगरी काशी में उत्साह अपार। विश्वनाथ दरबार में दोपहर तक 4 लाख भक्तों ने टेका मत्था। कांग्रेस के 4 सांसद लोकसभा से सस्पेंड, हंगामा करने पर की गई कार्रवाई। पठान में शाहरुख खान के बाद दीपिका पादुकोण का लुक हुआ रिवील, मोशन पोस्टर में बंदूक से फायर करती दिखी एक्ट्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।